नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। अभी आज यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए लेके आई है। खबर यह है कि उसने आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, ऐसी परीक्षाएं जो कुछ सालों से नहीं हो रही थी और जो नई परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, सभी के लिए इस साल और अगले साल तक, बोल सकते हैं अगले छमाही तक, अगले वर्ष के कैलेंडर जारी कर दिया है। अभी इस कैलेंडर के बारे में हम अच्छे से एक ही पॉइंट पर चर्चा करें, लेकिन उससे एक बात आप पहले जो मुख्य बिंदु है वो सुन लीजिए। बहुत सारी नई वैकेंसियां जिससे में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार था, जिसके लिए वो सारी के सारी वैकेंसी एक साथ आ रही है। सभी लोग इसके लिए दुविधा में थे कि जो मेंस है पीटी का वो कैसे होगा, कैसी परीक्षाएं होंगी, किस एग्जाम का कैसे पेपर कराएगा, वो सारी चीजें आयोग ने क्लियर कर दिया है। मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले जो आपका पेपर होने वाला है वो लेखपाल का होने वाला है, और बहुत ज्यादा पद है, 7800 पद है लगभग। ये बहुत ज्यादा पद होते हैं राजस्व लेखपाल का आपका जो है। इसके लिए टीम आपके लिए बहुत ही बिंदास जो आपका कोर्स है वो भी चलाने वाली है, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो क्लासेस, सारे के सारे नोट्स और सारे के सारे आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव। आप परीक्षा प्लस की गुणवत्ता के बारे में आप बहुत पहले से जानते हो और देखे भी हो, पढ़े भी हो, जो एक साल से आपको इंतजार था वो चीजें अभी स्टार्ट हो गई हैं। जिसके बाद हम लेखपाल के बाद बात करें तो ANM GNM टाइप में जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं उनका होगा। अगर उसके बाद बात करें तो अन्य जो आपके कनिष्ठ सहायक वगैरह हैं उनके होगा। तो बहुत सारे जो आपके मेंस हैं एक साथ कैटेगराइज करके, है ना, फिर से वो कराने जा रहा है जो आपके अपकमिंग मंथ में होने जा रहे हैं। हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षाएं आपकी रुकी हुई थी, जिनका इंतजार था या कैंसिल हो गया था या किसी कारण से भर्ती फंस गई थी, उनका री एग्जाम कब से होगा, सारी चर्चा करते हैं। तो आपके सामने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, अभी आज ही ये कैलेंडर आया है, एकदम ताजा ताजा गरम गरम है। ऐसे समझिए कि एक परीक्षा जो 2021 यानी कि आपकी PET प्रारंभिक पात्रता परीक्षा की जो बात कर रहा है, आहरकारी परीक्षा जो है आपकी, ये 20 अगस्त को, इसकी डेट तो सभी को पता था तो इसके बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ये अपने निर्धारित समय पे ही होगी और जैसे आयोग ने बताया था, जैसे जानकारी दी थी, वैसे ही सब कुछ होने वाला है। तो ये आपका पीईटी का एग्जाम है जो आपका कब होने वाला है, 20 अगस्त को होने वाला है। आपका 2018 में मंडी परिषद का एक परीक्षा थी जो आपका पेपर हुआ था, उसके बाद से फिर जो दिक्कतें आई थी उसके बाद से अब कब होगा, सितंबर 2021 में होगा, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली डेट नहीं दिए हैं, मंथ में दिए हैं, तो इसका आपका आयोग तुरंत ही इसका जो सूचना देगा कि सितंबर में किस तारीख को होगा, जो अभी एक्सपेक्टेड है वो आपका मिड वीक में होगा, मतलब आपका 11 से 15 सितंबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है। तो अभी से आप इसके लिए तैयार रहो। परीक्षा 2018 जो चौथी थी, यानी कि आपका अवर अभियंता, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फायरमैन वाले की बात कर रहे हैं, इसकी भी आपकी परीक्षा उसके अगले मंथ में अक्टूबर में हो जाएगी। और सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित परीक्षा आपकी लोअर की बात कर रहे हैं ना, लोअर 19 की बात कर रहे हैं, इसका जो मेंस है, मुख्य परीक्षा है, वो आपका अक्टूबर मंथ में ही होगी। तो आयोग ने अपना पूरा ऐसा समझ लिया, मेहनत करने का सोच लिया है, अक्टूबर में वो लगातार दो परीक्षा करवा रही है, सितंबर में करवा रहा है, अगस्त में करवा रहा है, मतलब जब अब 20 अगस्त के बाद आयोग ना खाली रहेगा ना आपको खाली बैठने देगा। तो अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी अपनी बढ़ा लीजिए। बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं लोअर वगैरह के लिए, हमने बहुत अच्छा कोर्स भी चलाया था, फुल कोर्स चलाया था, बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन भी लेते, कोर्स बहुत प्रॉपरली खत्म भी हुआ, लेकिन फिर भी अगर अंतिम समय में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो बच्चे कोर्स से नहीं जुड़े हो, तो आपका 100 टेस्ट की एक टेस्ट श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपको सारे नोट्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं और आपको 100 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके 25 फुल लेंथ और 75 सेक्शनल टेस्ट हैं। तो आप उससे भी परचेज करके आप अभी क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी या जो आपका ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई थी उसे दूर करके अपने आप को इनहेंस कर सकते हो। ये हम लोअर की बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे या 9450006007 या 9129970780 पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कॉल नहीं करना चाहते हैं तो परीक्षा प्लस ऐप, कौन सा, परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप जो चाहे वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, इसका डिस्काउंट में भी चल रहा है। खैर, हम आगे आते
जाते हैं जो कैलेंडर में बात कर रहे हैं, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 यहां पे आ रहा है पीईटी के मेंस का। पीईटी का मेंस नहीं है ये, एग्जैक्टली मेंस एग्जाम है, ये मुख्य परीक्षा है किसका, जहां से आपको डायरेक्ट क्या लगने वाली है, नौकरी लगने वाली है। और किसकी नौकरी लेने वाली लगने वाली है, आपकी ड्रीम जॉब लेखपाल की, वो भी राजस्व लेखपाल के। तो ऐसे बच्चे जो पिछले 2 साल से इतना हल्ला हो रहा था, अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी, पता नहीं कहीं उन्हें कहां कहां पे वहां पे जुड़ गए, कोर्स ले लिए, हमने उसका निशुल्क कोर्स भी चलाया था उस समय, लेकिन इसका फिर से आपका बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्स चल रहा है। अभी आपका कोर्स आज शाम से ही या कल से ही इसके एडमिशन स्टार्ट चालू हो जाएंगे, है ना। इसकी फीस भी मैं आपको बता दूं 999 होगा, लेकिन क्योंकि आपका इससे पहले पीईटी लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संशय में रहते हैं कि पता नहीं पीईटी में क्या होगा, इस कारण से टीम अभी 20 अगस्त तक इसकी फीस रिड्यूस करके 70% ऑफ कर देगी, यानी कि आपको 299 में ये लेखपाल का कोर्स अभी 20 अगस्त तक मिल जाएगा, जो 999 का कोर्स है। तो अभी अगर आप जुड़ना चाहते हो 20 अगस्त से पहले पहले, तो 299 में लेखपाल का कोर्स आपको मिल जाएगा। सारे के सारे लाइव क्लासेस आपको इसमें दिए जाएंगे, सारे के सारे आपको नोट्स, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण नोट्स, आपने पहले भी देखा था जब हमने निःशुल्क चलाया था, तभी आपने क्वालिटी जांच ली होगी। अब तो और भी चीजें यहाँ पे आपसे नाम मात्र, केवल एक इंटरनेट प्रोसेसिंग फीस ली जाती है ताकि आप पे आपके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, लेकिन फिर भी गुणवत्ता के लिए और मेहनत से हम कभी समझौता नहीं करते हैं, इस बात को आप बखूबी से समझते हैं। तो यहाँ पे आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या परीक्षा प्लस ऐप पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी पीईटी की दूसरी मेंस परीक्षा होगी, मेंस में 2 नाम से इसे दे रहा हूं, ये आपकी जो होगी वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होगी। और स्वास्थ्य विभाग में जैसे ऐसे पद होते हैं, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, नर्सिंग स्टाफ के बहुत सारे पद होते हैं ना, उन सब पद के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद। मैंने आपको ये बात बताया था कि पीईटी में क्या करेगा, मेंस में बल्क वैकेंसी लेके आएगा 30,000-50,000 की इकट्ठा। लेकिन क्या है, आयोग के साथ भी समस्या ये थी कि अभी मेडिकल साइंस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहां पे क्या पूछेगा, वहां का जो सिलेबस होगा वो उनके मेडिकल से संबंधित होगा, और राजस्व लेखपाल वाला होगा उसे गणित ज्यादा पूछा जाएगा, उससे ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान पूछा जाएगा। तो एक ही, अभी आप नर्सिंग स्टाफ राजस्व का पेपर देने जाए या राजस्व वाले से आप मेडिकल की चीजें पूछ लोगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आयोग के साथ में जो समस्या थी उसे हल कर दिया, उसने क्या कहा कि राजस्व लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी है, चकबंदी लेखपाल है, इन सबको एक कैटेगरी बना दिया, एक साथ बल्क में ला दिया। हालांकि इस बार क्योंकि वीडियो की पिछली परीक्षा जो थी वो अभी हुआ नहीं था, तो उसे दोबारा से एग्जाम हो रहा है, इस कारण से अभी ये सब ना चकबंदी इसमें इंक्लूड किए हैं ना वीडियो का इंक्लूड किए हैं, लेकिन अगली बार जब मेंस होगा इस वाली कैटेगरी में वो भी इंक्लूड होंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसमें आपके स्वास्थ्य विभाग के सारे होंगे, जैसे नर्सिंग स्टाफ हुआ, आपका एएनएम जीएनएम वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद ये आपकी पुरानी परीक्षा जो 7वीं परीक्षा 2019 की थी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और शोध अधिकारी की थी, ये आपकी दिसंबर में हो जाएगी। तो ये आपका अभी डेट डिसाइड नहीं है, मंथ डिसाइडेड है। इसके बाद फिर आपकी 5वीं परीक्षा 2019 में थी, फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक वाली, ये भी आपके दिसंबर में होगी। भी बहुत सारे बच्चे फॉरेस्ट गार्ड के लिए मुझसे पूछ रहे थे कॉल करके, सर कब होगी, तो मैंने बताया भी था कि आपका दिसंबर में जाएगा, तो वो आ भी गया है, ये देख सकते हैं आप। बोरिंग टेक्नीशियन जो आपकी 6वीं परीक्षा 2005-6-7 इस क्रम में है, ये आपकी कब जाएगी, आपकी जनवरी में जाएगी, 486 पद थे, इतना आप समझिएगा। ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है कि भैया लेखपाल के 7882 पद हैं और स्वास्थ्य विभाग वाले 9212 हैं, और ये दोनों बैच आपके इमीडिएट लॉन्च कर दिए जाएंगे। इस वाले में थोड़ा, स्वास्थ्य विभाग वाले में थोड़ा सिलेबस का हम लोग वेट करेंगे, लेकिन जो जनरल चीजें हैं उसकी क्लासेस आपकी पहले से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका इसका भी यही फीस रखा जाएगा लगभग, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको जल्दी ही दी जाएगी। आते हैं हम लोग 2016 की एक परीक्षा थी अवर अभियंता एवं उप वास्तविक का, है ना, ये आपकी जनवरी में जाएगी, 489 पद का था। और आपकी जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, हम इसकी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाले कैटेगरी का, आपने देखा था ना एग्रीकल्चर टेक्नीशियन का, अभी पिछली बार 2019 में हुआ था। ऐसे जो पद है, गन्ना पर्यवेक्षक हुआ, मतलब जिसमें कृषि, जो बीएससी एग्रीकल्चर या इससे संबंधित चीजें होती है, उसे एक कैटेगरी में डाल दिया है। और इसके भी भैया 2500 पद हैं, जो बहुत होते हैं, अभी बीएससी से एग्रीकल्चर वाले बहुत कम मिलते हैं, और यहां पे क्योंकि ये मांग लेता है एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर, इस कारण से आपको यहां पे समझना है 2500 पद बहुत ज्यादा होता है। आपको आज से ही इसकी तैयारी करनी है, फरवरी में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप पीटी तो दोगे ही, उसके बाद आप लेखपाल तो दोगे, वो ओपन टू ऑल होता है, तो आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा, इसलिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ये बात अभी समझते हुए चलना है। इसके बाद फिर 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा, है ना, ये आपका 2016 वाला था, ये भी फरवरी में करवा दिया जाएगा। और एक बात समझिएगा, अब जो बोल दिया गया है वो करवा दिया जाएगा, अब ये मत सोचिएगा, अपने आप से पूर्वाग्रह मत करिएगा कि नहीं आयोग है, ट्रिपल एससी का कुछ
कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या हो, अगर ये विचारधारा है तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो, जो आपके साथ पीटी में हुआ। लास्ट तक बच्चे चिल्लाते रहे कि सर फिर से फॉर्म ओपन होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं किए, जिद पे अड़े हैं। तो भाई इलेक्शन भी तो है, आप समझ नहीं रहे क्यों बात को, थोड़ा सा गंभीरता बनाओ और आप इस चीज को समझो कि ये फाइनल है, अब इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो 18 में दूसरी परीक्षा थी ग्राम पंचायत वीडियो जो आपकी कैंसिल हुई थी, वीडियो परीक्षा आपकी मार्च में जाएगी भैया 1953 पद के लिए थी, तो फिर से जो पिछली बार गलती किए थे इस बार सुधार लेना, पूरा का पूरा 1953 पद आपके लिए खुला हुआ है। और उसके बाद ये फिर पीटी मेंस 3 की बात करें, ये पीटी मेंस 4 है ना, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक व समान योग्यता वाले, मतलब जिसमें टाइपिंग या स्टेनो मांगता है वो सारे को एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है ना। आप समझिएगा, ग्रुप सी के जिसमें टाइपिंग नहीं मांगता है, जनरल है, ओपन टू वाले, उसको क्या किया, लेखपाल वीडियो अलग डाल दिया। जिसमें हेल्थ ई वाले हैं उनको एक अलग कैटेगरी डाल दिया, जिसमें आपकी टाइपिंग या स्टेनो मांग रहा है उसको अलग कैटेगरी डाल दिया। और 2000 पद इसके भी हैं, इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, और कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ा सरकार ने चालाकी भी किया है यहाँ पे, बच्चों के साथ धोखा किया है, मैं इस बात को बोलूंगा बहुत गलत किया है। अभी कल ही खबर आई है, पहले से भी चल रही थी, कि हर ग्राम पंचायत में एक क्या होंगे, सचिवालय होंगे, और उनके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। तो 58,000 जो पद कंप्यूटर ऑपरेटर के थे, भाई उन्हें आप संविदा पे क्यों रख रहे हो, उन्हें आप इसी में इंक्लूड करते तो ये पद आपके 60,000 होते, लेकिन वो चालाकी कर गए, उन्हें सैलरी क्या करना पड़े, रिड्यूस्ड देना पड़े, और क्योंकि कुछ पता नहीं कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, तो यहाँ पे सरकार ने थोड़ी चालाकी कर गई, मैं इस बात को खुला बोलूंगा। लेकिन फिर भी अगली बार से जब फिर से होगा पीटी का, तो वहां पे ये पद अभी जो 2000 दिख रहे हैं, ये करीबन 10,000 पद हर बार होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको फोकस रहना चीजों के लिए। उसके बाद आपका पीईटी 5 की बात करें, तो यहां पे आपका जो प्रयोगशाला प्रविधिक है, मतलब लैब टेक्नीशियन वगैरह हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, या फिर अन्य जो योग्यता वाले हैं, जहां पे टेक्नीशियन जो होते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आईटीआई वाले सेगमेंट वाले होते हैं या डिप्लोमा सेगमेंट वाले होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए करीबन 1200 पद ये आ रहा है, ये मार्च में आ रहा है। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होते हैं जो यहाँ पे राज्य के राज्य की यूनिवर्सिटीज जो है, उनमें आपके लैब टेक्नीशियन के बहुत अच्छे पद हैं, वहां पे आप कर लो, बहुत अच्छी जॉब होती है और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, तो इसे आप करो मत। यानी कि नवंबर से आपकी कहानी शुरू होनी है और मार्च तक जानी है। तो ये आपका अधीनस्थ के द्वारा जो दिया हुआ कैलेंडर था उसके बारे में जिक्र किए। लास्ट में मैं फिर से बोल रहा हूं कि भैया अभी जो हाल में आने वाला आपका कोर्स है वो क्या है, सबसे पहले तो लेखपाल का कोर्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इंसॉल्ट क्या मिलने वाला है। सारे के सारे आपके लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, वो चाहे आपके ग्रामीण परिवेश के हों, वो चाहे आपका हिंदी हो, वो चाहे आपका मैथ्स हो, मैथ्स बहुत अच्छी पूछी जाती है, चाहे आपका अन्य कोई विषय हो, सारे के सारे लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगे। उसके बाद आपको इसमें बहुत ही प्रॉपर जो केवल और केवल लेखपाल के लिए बनाए गए नोट्स हैं, और उन पे और अच्छे से अपडेट करके सारे नोट्स आपको मिलेंगे, पूरा बहुत अच्छे प्रिंट कॉपी में आप उसे प्रिंट करवा सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेंगे और इसकी प्राइस 999 है, जो ऑफर में अभी आपको कब तक, 20 अगस्त तक, कब तक, पीटी की परीक्षा तक आपका कितना है, 70% ऑफ करके 299 में आप परचेज कर सकते हो। इसके बाद जो स्वास्थ्य वाला, हेल्थ वाला है ना, एएनएम जीएनएम में जैसे बात कर ले, तो इन सब का जो पोस्ट है, इनकी बात करें, इनके लिए भी सेम चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, और इसका भी 999 है, लेकिन ये 299 में ही अभी मिलेगा, इसी प्राइस में किया जाएगा जब तक आपका पीईटी लगा हुआ है तब तक, ठीक है ना। तीसरा जो आपका है वो कनिष्ठ सहायक वगैरह है ना, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, इन सब का चलेगा, लेकिन ये अभी अभी तुरंत अनाउंस नहीं होगा, जब ये अनाउंस होगा तब बताया जाएगा, या एग्रीकल्चर टेक्नीशियन या फिर लैब टेक्नीशियन, ये वाले जो आपके अलग है, इन तीन बैच के अपकमिंग बैच होंगे जिनके बारे में आपको शीघ्र ही जानकारी दी जाएगी। इन दोनों बैच में जो अभी तुरंत चलने वाले हैं, है ना, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसमें से अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो 9450006007 या 9129769780 पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप परीक्षा प्लस ऐप पे, किस पे, परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप इस कोर्स से डायरेक्ट जुड़ सकते हो, ठीक है ना। या आप किसी भी माध्यम से, टेलीग्राम परीक्षा प्लस का है, फेसबुक परीक्षा प्लस का है, किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो और इसको अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, कोर्स में मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियों के साथ मिलेंगे, बहुत सारे अपडेट्स के साथ मिलेंगे। अभी हम लोग जॉब अपडेट का भी एक सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, तो उसके साथ भी मिलेंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।